मामला क्लासेस के चैनल पे आपका स्वागत है। स्वागत इन द सेंस, आपको पता ही होगा बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़ चुके हैं, और जो नए स्टूडेंट्स उनके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कोई भी एमसीए का टॉप एग्जाम होते हैं जैसे कि निमसेट, तो हम लोग यहाँ कर रहे हैं निमसेट पेपर एनालिसिस। बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी सीरीज की आ चुकी है। आज यहाँ पर जैसा कि चार्ट या ग्रिड दिख रही है, टॉपिक का नाम है सिक्वेंस सीरीज। अभी तक 2008 से लेकर 2018 का जो एनालिसिस है उसमें 22 क्वेश्चंस सिक्वेंस सीरीज के रहे थे। एमसीए कोर्स का सबसे अच्छा एग्जाम निमसेट, एक टॉप मोस्ट पे बहुत सारे स्टूडेंट्स इसकी डिमांड करते हैं। निमसेट 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 क्रेज है निमसेट का, और टॉपिक लेंगे सीक्वेंस सीरीज और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। 2008 से हम लोग शुरुआत करेंगे, ये पहला वीडियो है, पहला पार्ट होगा सीक्वेंस सीरीज का। तो हम लोग जैसा कि करते ही चले आ रहे हैं कि शुरुआत के एग्जाम और शुरुआत के ईयर से लेके आज 2008 को कंसीडर करेंगे और आगे धीमे धीमे बढ़ेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, बने रहिए साथ में, लास्ट तक आप जाइए। ट्रिक्स भी बताएंगे भाई, ट्रिक्स भी बताएंगे। चलिए, तो जैसा कि हम लोग बता चुके हैं 2008 सीक्वेंस सीरीज का ये पहला क्वेश्चन है। सपोज कहा गया है, सपोज ए बी सी आर इन ए पी। जैसा कि सीक्वेंस सीरीज में आपको पता ही होगा कि कुछ नंबर्स हम लोग सपोज करते हैं, जैसे कि ए बी सी ए पी में दिए गए हैं, तो हम मान चल रहे हैं कि ए बी सी ए पी में है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है, तो ई ये वाला सिंबल जो है ई की पावर 1/c, ई की पावर वी अपॉन ए सी और ई की पावर 1/a, ये तीनों नंबर क्या ए पी में होंगे, जी पी में होंगे, एच पी में होंगे, नन ऑफ दीज। तो सोल्यूशन तय करेगा कि किस में होंगे, तो आगे सोल्यूशन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। सोल्यूशन को ध्यान देते हैं, और ट्रिक्स, आप ट्रिक्स मांगते रहते हैं, आज ट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको बेसिक फाउंडेशन, अगर आप इनिशियल लेवल पे हैं, एपी या जीपी या एचपी के अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बॉक्स में लिखी गई हैं, तीन नंबर अगर एपी में होते हैं तो सीवित से स्ट्रेट फॉरवर्ड आप 2b बराबर a प्लस c लगा सकते हैं, यानी बीच वाले का डबल और अगल बगल वालों का सम होता है, ये आप जानते होंगे, जनरल सी बात है। अगर ए बी सी जी पी में, एक बार हम पढ़ देते हैं, ए बी का मतलब है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जी पी का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और एच पी का मतलब है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, समानता श्रेणी, गुणोत्तर और हरात्मक श्रेणियाँ। तो यहाँ पर जी पी के का मतलब है बी स्क्वायर बराबर ए सी, यानी बीच वाले का स्क्वायरिंग, बीच वाले का स्क्वायर करिए और अगल वालों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे यहाँ पे 1, 2, 4 या 1, 2, 3। अब यहाँ पर देखिए बीच वाले का जो वैल्यू होगा वो 2ac/a+c। यहाँ पर नंबर्स कैसे लेते हैं, जैसे कि अभी आपको याद ना हो तो 1, 2, 3 AP में कंसीडर करेंगे, 1, 2, 4 GP में, और यहाँ 1 और 1/2 और 1/3 किस में, HP में। ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन थी, शायद आपको ये इंपॉर्टेंट ना लगे, मगर उन बच्चों के लिए जो पहली बार कोई चीज़ पढ़ रहे हैं उनके लिए ये मोटिवेशन का काम करेगी। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग शॉर्टकट वेरीफाई मेथड करेंगे। मानते हैं कि अगर जीपी में है, अगर कोई चीज़ जीपी में है तो उस बीच वाले का स्क्वायर अगल और बगल के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। अब हम मान लें कि ये ए है, मान लें कि ये क्या है, ए है, ध्यान देते रहें, ये बी है और ये सी है। हमने मान लिया कि ए बी सी, पहले वाले को ए माना, दूसरे वाले को बी माना, और तीसरे वाले को सी माना। अगर ये ए बी सी तीनों जीपी में होंगे तो बी स्क्वायर बराबर ए सी, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। अगर ये दोनों एच एल एल एच एस और आर एच एस दोनों बराबर होते हैं तो ये बात सेटिस्फाइड अगर होगी तो जीपी में होगा। तो दूसरे वाले का, बीच वाले का हमने क्या किया, स्क्वायर किया, यानी बीच वाले को रखा, उसका स्क्वायर कर दिया और अगल बगल वाले का मल्टीप्लाई किया। बाकी चीज आगे हम आपके सामने करेंगे जिससे कि आप जान पाए कैसे हो रहा है। यहां देखिए पावर आपस में मल्टीप्लाई हुई तो 2b/ac आ गया, और यहां पर आप लॉ ऑफ इंडिसेस जानते होंगे, घातांकों के नियम, कि अगर सेम बेस पर पावर होती है तो जुड़ती हैं। आप देखो इसको हम एलसीएम लेंगे तो ई का पावर ए सी और यहां पर ए प्लस सी होगा। अब एक बात ध्यान रखें कि जो ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी अभी तक यूज नहीं की गई है, इसका कोई ना कोई मतलब होगा। अगर ये एपी में है तो वहां लिखाया गया है कि एपी का मतलब होता है 2b/a+c, तो b बराबर ए प्लस सी बाई 2 हो जाएगा और 2b/a+c हो जाएगा। तो यहां रखिए, देखिए a प्लस सी की जगह क्या रख सकते हैं हम लोग, 2b, तो 2b/ac आ गया, ये चीज इसके बराबर आ गई। इसका मतलब ये किस में है, जीपी में। ऑप्शंस आप टैली कर सकते हैं, ऑप्शन जो पहले स्टेप में दिखाया गया था वहां पर जीपी पर टिक कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं। ये 2008 का क्वेश्चन था, आगे वाले क्वेश्चन को कंसिडर करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट होंगे। जो ये क्वेश्चन ले रहे हैं बहुत ही बड़ा है, मगर इंपॉर्टेंट बहुत है। जहां पर भी इस टाइप क्वेश्चन आए, मतलब हार्मोनिक मीन को इन्वॉल्व किया जाए, ज्योमेट्रिक मीन को इन्वॉल्व किया जाए, अर्थमेटिक मीन को इन्वॉल्व किया जाए, कहने का मतलब A1, A2, A3 या G1, G2, G3 या H1, H2, HN, इस टाइप क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एक बार बता दें,
अब कुछ भी आपको लगे आंसर जरूर याद कर लो, ऐसे क्वेश्चंस का भले ही ना सोल्यूशन हो आंसर जरूर याद कर लो भाई, अपने टाइम पे हम भी याद कर लिया करते थे। अब आपको ये लगे कि रटवा रहे हैं तो सिलेक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे भी निकालो ठीक है। तो पहले पढ़ लेते हैं एच वन एच टू और डॉट डॉट एच एन आर एन हारमोनिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, जहाँ पर ए और बी बराबर नहीं है। अभी देखेंगे कि क्या कैसे एक्सप्लेन करेंगे। द वैल्यू ऑफ एच वन प्लस ए और एच वन माइनस ए प्लस एच एन प्लस बी अपॉन एच एन माइनस बी, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। एन प्लस वन, एन माइनस वन, टू एन, नन ऑफ दीज, हमें यार देखो सी ऑप्शन लग रहा है, बट देखते हैं, हमने भी याद किया था कभी और आज देखते हैं कि सही होगा कि नहीं होगा। और हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग मेथड पे भाई नहीं जाएंगे, लॉन्ग मेथड अगर देखना हो तो बुक में दिया गया होगा, शॉर्टकट पे रहेंगे और शॉर्टकट आप भी सीख लो ठीक है। देखो भाई इसका सोल्यूशन हम लोग पहले नहीं देंगे, आपके सामने करते हैं जिससे कि आप सारी बातों को समझ पाएं, क्योंकि शॉर्टकट कर देंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे ठीक है। हर एक बात को ध्यान दो, उसने बोला कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन की बात की, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन कुछ नहीं होती है, एक ऐसी प्रोग्रेशन जिसको आप उल्टा करें आपके लैंग्वेज में, बैठे रेसिप्रोकल बोलते हैं बट आप लोग उल्टा बोलते हैं उसको, तो उल्टा करें तो वो ए पी बन जाए। अब ए पी आपको आनी चाहिए, ए जैसे कि आप देखिए वन, वन बाई टू और वन बाई थ्री और वन बाई फोर, ये क्या है अगर एच पी में है तो एच पी को हमें आता नहीं है। एच पी जान, आप एच पी को याद करने की पढ़ने की कोशिश मत करो, बस उसको क्या कर दो, उल्टे का मतलब रेसिप्रोकल, क्या बताया गया रेसिप्रोकल आप समझते होंगे। वन का रेसिप्रोकल देखो भाई वन होता है, एक ऐसा नंबर जिसका रेसिप्रोकल उसके बराबर होता है तो वो सीख लो वन है ठीक है, एक मेरी बात सीख लो। अब वन बाई टू का रेसिप्रोकल कितना होगा टू, वन बाई थ्री का रेसिप्रोकल थ्री, अब आप समझ गए होंगे रेसिप्रोकल क्या होगा, आप नहीं जानते भी होंगे। वन बाई फोर का फोर, अब देखो भाई इनमें इनमें अंतर, तो इनमें अंतर सामान है तो क्या है ए पी, अगर ये ए पी है तो इसका रेसिप्रोकल क्या रहा होगा एच पी, ये बात की गारंटी है कि आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, जो रेसिप्रोकल करने के बाद अगर एपी में आती है तो इस बात गारंटी है जिसको रेसिप्रोकल किया गया था वो एचपी में था। तो हमने देखो क्या किया, चार नंबर को, एक चार नंबर ऐसे लिए जो एचपी में कंसीडर किए गए, हमने माने ठीक है मान लिए। अब हमने देखो उसने कहा जो उस, अब अभी तो हमने अपनी बात मानी है, अब ये बात इस पर अप्लाई करेंगे मतलब मनवाएंगे ठीक। तो उसने कहा कि देखो ए और बी के बीच में, उसने क्या कहा हम वो बात लिख देते हैं, उसने कहा ए और बी के बीच में, तो उसने कहा है यहाँ पे ध्यान दो, ए और बी के बीच में बहुत सारे नंबर हैं, बहुत सारे नंबर का मतलब एन नंबर्स हैं, और वो एन नंबर ऐसे सेट किए गए हैं कि वो हार्मोनिक मीन बन जाते हैं। हार्मोनिक मीन तभी बनेंगे ये नंबर्स इसके बीच में इंसर्ट कर दिए गए, आप उसको ध्यान दो पढ़ो तो ये बात समझ आएगी, ये नंबर हार्मोनिक मीन है, इसका मतलब ये सारी सीरीज एच पी में आ जाती है। तो हमने देखो क्या किया, इन दो नंबर के बीच में मतलब ए को क्या माना वन और बी को माना वन बाई फोर, इन दोनों नंबर के बीच में दो ऐसे नंबर ले लिए, हमने एन नहीं लिए, हमने कितने ले लिए दो नंबर ले लिए, इन दो नंबर को वन बाई टू और वन बाई थ्री लिया, तो वन, वन बाई टू, वन बाई थ्री और वन बाई फोर क्या आ गया एच पी में आ गया। तो हमने यहाँ पे क्या माना है कि ए बराबर देखो वन है, कन्फ्यूजन अगर ना हो इसलिए दोबारा मैं बोल देता हूँ, एच वन बराबर वन बाई टू है, क्योंकि भाई जल्दी में अगर पढ़ देंगे तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे, और H2 बराबर कितना है 1 बाई थ्री, इतनी बात क्लियर। अब देखो यहां पर इसकी वैल्यू निकालनी है तो भाई अपने पास HN तो है ही नहीं, तो हम लोग यहां पे HN की जगह क्या यूज करेंगे H2, क्या यूज करेंगे H2, तो हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेंगे H1 प्लस A अपॉन H1 माइनस A और प्लस H2 प्लस B और H2 माइनस B, अपने क्वेश्चन के हिसाब से इसकी वैल्यू हम लोग निकालने वाले हैं। चलिए हम लोग निकालते हैं फटाफट, एच वन की जगह वन बाई टू है ये ध्यान दें, और ए की जगह वन है, यहाँ पे एच वन की जगह वन बाई टू है, माइनस वन है भाई, देखो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं वैसे ही आप मन से कैलकुलेशन किया करो, कभी भी कैलकुलेशन के लिए आप नौकर मत लगाना भाई, अगर आप मैथमेटिक्स बनना चाहते हो ठीक है, नौकर का मतलब है कि बगल वाले से आप टीप लो, अपना कैलकुलेशन अपने हिसाब से करो भले मेरी बात ख़राब लगे। हाँ और देखिए यहाँ पर चार में से तीन गया तो एक बटे बारह आ गया, अब इतना से हमने कैलकुलेट करेंगे भाई, तो देखो माइनस थ्री प्लस सेवन तो कितना आ गया चार, कितना आ गया चार, देखो चार आया, अब चार देखो यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं, चार ऑप्शन में नहीं है, मगर देखो H ये ध्यान दो कि हमने कितने H माने थे, H1 और H2, H1 और H2, तो मतलब HN बराबर H2 है, HN बराबर कितना है, तो अपना
एच एन बराबर एच टू है तो एन बराबर कितना माना, दो, मतलब दो ही हार्मोनिक मीन तो कंसिडर किए हैं। और यहां पे अगर एन हार्मोनिक मीन कंसिडर करते तो एन होता, तो एन की वैल्यू होगी दो। अब दो रखे चार किसमें आएगा, मतलब एन की वैल्यू ऑप्शन में डालते जाएंगे और चार किसमें आएगा, देखो दो डालेंगे तो दो प्लस एक कितना आया, तीन, चार आया नहीं आया, तो ये ऑप्शन नहीं। यहां पे दो डाला दो माइनस एक, ये तो एक ही आया, ये भी नहीं है। यहां दो डालेंगे तो टू इंटू टू कितना, फोर आ गया। देखो भाई क्या आ गया, सी ऑप्शन सही हो गया। ट्रिक समझ में आई है तो भैया फीडबैक दे देना, नहीं समझ में आई तो दोबारा पूछ लो, ऐसे शॉर्टकट काम आते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आगे फॉलो करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बने रहिए साथ में। तो आपको डेट दिख रही होगी 2009, इसका मतलब है कि दो जो दो क्वेश्चंस डिस्कस किए गए 2008 के थे, ये 2009 का है। क्वेश्चन को आपके सामने पढ़ देते हैं कि सम ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, एक से लेके 100 तक के नंबर्स को आपको जोड़ना है, वो सारे नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5, वो सारे नंबर्स जो 3 और 5 से विभाजित ना हो, उन सारे नंबर्स को जोड़ना है। क्या वो इस वाले ऑप्शन के बराबर होंगे, क्या इसके बराबर होंगे, क्या इसके बराबर होंगे, या किसके बराबर होंगे। आगे वाला सोल्यूशन आप जानते हैं कि आंसर तय करेगा कि किसके बराबर होंगे। बने रहिए इस क्वेश्चन के और सोल्यूशन के साथ, हो सकता है कि शॉर्टकट डिस्कस करें, बट जो भी डिस्कस करेंगे आपको समझ में आएगा, ये मुझे लगता है। चलिए प्रयास करते हैं आगे। सोल्यूशन में हमने पार्ट वाइज कर दिया है, तो दो पार्ट अभी देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि क्वेश्चन बन जाए, इसलिए फिर नेक्स्ट वाले पार्ट को जो कंक्लूजन राउंड होगा, आंसर जो निकलेगा वो लास्ट वाले पार्ट में आएगा। चलिए देखते हैं। ये एक इट्सेल्फ क्वेश्चन है कि वो सारे नंबर्स जो 3 से विभाजित होते हैं, 1 से लेकर 100 तक आने वाले 3 से विभाजित होने वाले नंबर्स। तो देखो 3 से विभाजित होने नंबर डिविजिबल बाई 3, तो पहला नंबर 3 होगा, यानी 3 का पहाड़ा पढ़ते जाइए, 3 फिर 3 × 6 फिर 3 × 9, 3 × 3 = 6, 3 × 3 = 9। और क्या करेंगे, अगर आप जैसे कि सपोज यहाँ 99 तो बन ही गया है, अगर आपको 99 ना मिल रहा होता तो देखो क्या करते हैं कि जिसके बीच में आपको नंबर निकालने, तो जैसे 1 से लेकर 100 तक निकाल लें, तो आप क्या करो जबरदस्ती आप ही मत सोचो कि 99, क्योंकि अभी आपने कैलकुलेट कर लिया, मतलब कभी कभी आप कैलकुलेट जैसे 7 से आप डिवाइड करना, तो आपने 7 से डिवाइड करने वाला लास्ट वाला कैलकुलेट नहीं कर पाया, तो लास्ट वाले को ही आप 3 से डिवाइड करिए। तो 3 से डिवाइड करिए तो देखो कितने बार जाएगा, 3 × 3 = 3, ठीक है, फिर 10 हो गया, फिर 3 × 3 = 3, रिमाइंडर कितना आया भाई बताओ, कितना आया 1, रिमाइंडर 1 आया। तो इसका मतलब 100 से एक घटा दीजिए, 100 से क्या घटा दीजिए 1, तो 100 से घटेगा क्या है 99। अब कितने बार गया था, 33 बार, तो 33 नंबर थे, कितने थे, तो देखो S33, यानी ये सारे नंबर्स किसमें, AP में आ गए, तो गैप कितने का है, 3 और 3 = 6 है, 6 × 3 = 9 है, तो AP में आ गए। AP में अगर आप SN निकालते हैं, क्या निकालते हैं SN, तो दो फार्मूले हैं और हम लोग फार्मूला लगाने वाले N/2 A+L, N/2 नंबर ऑफ टर्म्स जो थे उनको आधा कर देंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स देखो कितने 33 आए, क्योंकि 33 बार भाग गया था, 33 आया, तो 33/2, ए फर्स्ट टर्म क्या है 3 और लास्ट टर्म क्या है 99। कैलकुलेशन किया, 3 से विभाजित होने वाले नंबर्स सारे नंबर्स का सम क्या आया 16 83, यानी कि 1683, ठीक है। अब ऐसे ही 5 से डिविजिबिलिटी देखते हैं कि 5 से डिविजिबल नंबर क्या होंगे, तो 5, 10, 15 आप जान ही रहे होंगे, 100 अगर नहीं भी जाता था, 100 से हम 5 को डिवाइड करते, तो 100 से 5 को डिवाइड करते पूरा पूरा भाग चला गया, इसका मतलब परफेक्टली डिवाइड है। 20 ऐसे नंबर्स हैं जो 5 से विभाजित होने वाले 1 से लेकर 100 तक 20 नंबर्स आते हैं, तो 5, 10, 15, 100, तो यहाँ पर वही फार्मूला लगाया गया, 20 नंबर्स को जोड़ना है, तो 20/2, पहला टर्म क्या है 5 है, लास्ट टर्म क्या है 100 है, ठीक है। कैलकुलेशन आपके सामने है, 10 यहाँ आया, 105 यहाँ आया, 10 50, यानी कि 1050, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, 3 से डिविजिबल वाले और 5 से डिविजिबल वाले नंबर्स को निकाल लिया है। अब आगे देखते हैं कि वो सारे नंबर्स जो 3 और 5 से विभाजित ना हो, डिविजिबल बाय 3 ना हो, तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप चाहें तो इसको नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पूछा क्या गया था कि वो सारे नंबर्स 1 से लेकर 100 तक जो 3 या 5 से विभाजित ना हो, जो 3 से भी ना हो और 5 से भी ना हो, तो रीजनिंग लगाए तो आप हो सकता है कि वो सारे नंबर्स निकाल लेंगे, पक्का निकाल लेंगे। आप एक बार लिस्टिंग करते जाइए, सारे नंबर्स निकल के आ जाएंगे, वो 3 वाले और 5 वाले हटाते चले जाइए, जैसे 1, 2 फिर 3 आ गया हटा दीजिए, फिर क्या आएगा 4, फिर 5 आएगा हटा दीजिए, फिर 6, मतलब लिस्टिंग ऐसे करनी है आपको, 1, फिर 2, 3 आया हटा दिया, फिर 4, फिर 5 आया हटा दिया, फिर 6 हटा दिया, फिर 7, फिर
आठ, फिर नौ, ऐसे आप लिस्ट करते जाइए, ठीक है। नौ नहीं आएगा तो ऐसे पास ये कौन सा नहीं आएगा, कौन सा आएगा, ठीक है। तो ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमने क्या किया, हम यहाँ पे कर रहे हैं कि सारे नंबर्स का सम कर ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं देखो, नॉट डिविजिबल बाई थ्री और फाइव, जो तीन और पाँच से डिविजिबल नहीं है। तो मान लेते हैं कि सारे नंबर्स को हमने जोड़ दिया, सारे नंबर्स को जोड़ दिया, उनमें से जो तीन और पाँच वाले थे डिविजिबल थ्री और डिविजिबल फाइव, उनको हटा देते हैं, ठीक है। तो तीन और पाँच वाले जो डिविजिबल विभाजित थे वाले सम का हटा दिया टोटल से, तो कौन से निकले, तीन वाले और पाँच वाले, तो निकल गए, तो जो बचे वो आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो एस ऑल क्या करेंगे, एस ऑल मतलब सारे नंबर्स का सम। तो सारे नंबर का सम देखो कैसे करेंगे, वन टू थ्री फोर हंड्रेड। तो अगर ध्यान दें, सारे नंबर का सम ये नेचुरल नंबर है, क्या है, नेचुरल नंबर। आपको पता होगा कि सारे नेचुरल नंबर का सम का एक फॉर्मूला हुआ करता था जो आपको याद हो, एन एन प्लस वन बाई टू, ठीक है, सिंपल है, एन एन प्लस वन बाई टू। केवल आपको केवल एन की जगह हंड्रेड रखना है, क्या रखना है, 100, क्योंकि 100 नेचुरल नंबर का सम निकाल रहे हैं, 100 नेचुरल नंबर का सम निकाला जा रहा है। तो 101 हो जाएगा, बटे दो करेंगे 50 से, अब मल्टीप्लाई करना तो आसान है, आप जानते होंगे 50 50 आ जाएगा भाई, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 50 50 आ गया यहाँ पे। अब देखो S3 और S5, तो S3 देखें कितना है, बता दीजिए जरा, S3 कितना आया था, 16 83 आ गया था, और S5 कितना आया था, 1050। देखो भाई, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए आवाज़ आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि ऊपर से आवाज़ आकाशवाणी हो रही है, ठीक है। इसको जोड़ देते हैं, कितना आया, 2733। ओके, फाइनल आंसर कितना आ गया, 2310। कैलकुलेशन पार्ट है, टैली आपको करा दिया गया। ऑप्शंस में मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर टिक क्रॉस था वो ऑप्शन बन गया। तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे या नहीं थे ये आप तय करेंगे। कैसा लगा हमारा वीडियो, कैसा लगता है हमारा एफर्ट, प्रयास कैसा लगता है ये आपके हाथ में है। आप इसमें कितना कंजूसी करते हैं ये आपके ऊपर है, आप किस तरीके से इसको ले रहे हैं ये आपके ऊपर। बट हमसे क्या और आप डिमांड करते हैं, क्या आपको चाहत है, क्या आप मावला क्लासेस आपके कॉन्सेप्ट को कहाँ तक ले जाए, क्या आपकी आशाओं को पूरा कर सकते हैं, इनके बारे में ज़रूर बताते रहिए, ज़रूर ज़रूर ज़रूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है आप मुझसे 100% कैसे निकल आएंगे ये आपके ऊपर है। चलिए, ये तय करेगा आपका फीडबैक, आप चाहें तो दे सकते हैं, हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे एक अच्छे और तरीके से। हमने कुछ नई चीज़ शुरुआत में इनबिल्ट की है, कहने के बाद जो चार्ट बनाया है उसके बारे में बताइए कैसा लगा आपको, अगर बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो शुरुआत में ग्रिड चार्ट दिया है कि कितने क्वेश्चंस आए हैं टॉपिक में, किस ईयर से किस ईयर का ले रहे हैं, कौन सा कोर्स है, किस एग्ज़ाम को ले रहे हैं, तो वो शुरुआत जो हमने अपडेट किया है, अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर फीडबैक में लिखिए। थैंक यू बच्चों, अच्छे से पढ़िए, धन्यवाद।